अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में हकानी को पश्तूनों का कबीला करार दिया। क्या वाकई ऐसा है? देखते हैं पेशावर से तारिक आफाक की रिपोर्ट। हकानी इज अ ट्राइब, इट्स अ पश्तून ट्राइब। हकानी ट्राइब लिव्स इन अफगानिस्तान। हक्कानी पश्तूनों का कबीला है। अब इसे वजीर आजम की लाइल्मी कहे या जबान की फिसलन, मगर हकीकत है इनके मौकिफ के बिल्कुल बरक्स। हक्कानी पश्तूनों का कबीला नहीं बल्कि एक ऐसा लाहिका है जिसे खैबर पख्तूनख्वा की मारूफ दीनी दर्सगाह दारुल उलूम हक्कानिया से फारिग तहसील उलमा अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया जो है ये एक बहुत बड़ा नाम है। इसके जो फजला है उनको हक्कानी वो अपने साथ निस्बत के तौर पर लिखते है। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी भी चूंकि इसी मदरसे में पढ़ते थे इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ हक्कानी का इजाफा किया और उनके बेटे भी वालिद के नक्शे कदम पर अमल पैरा हुए, उन्होंने भी इस नाम का इजाफा किया। इधर मदरसे की इंतजामिया ने वजीर आजम की लाइल्मी पर अफसोस का इजहार किया। ये बयान मैंने भी देखा वजीर आजम साहब का, मुझे इंतहाई अफसोस भी हुआ। इतने एक अहम मुल्क का वजीर आजम और इतना बेखबर कि उसको ये पता नहीं कि मेरे मुल्क में अंदर जो हक्कानी रह रहे हैं या एक हक्कानिया एक इदारा है उसका पस मंजर क्या है क्या नहीं है। दारुल उलूम हक्कानिया का संगे बुनियाद मौलाना समीउल हक के वालिद मौलाना अब्दुल हक ने 1947 में रखा जिसे बाद में जिहाद की यूनिवर्सिटी का नाम भी मिला। तारिक आफाक, समा, पेशावर। आगे